आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। उर्दू कवायद में आज हम पढ़ेंगे तशबीह। किसे कहते हैं? मीर तकी मीर का ये शेर पढ़ें पहले। नाजुकी उसकी लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में होठ को गुलाब की पंखुड़ी से मानिंद किया गया है, बताया गया है। किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना तशबीह कहलाता है। इन दोनों चीज़ों में किसी ना किसी तरह की मुशाबहत का होना ज़रूरी है। तशबीह के चार जुज़ हैं, ठीक है। मुशाबे, जिस चीज़ की तशबीह दी गई, जैसे लब को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह, इसे मुशब्बा कहते हैं। मुशब्बा बा, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, जैसे गुलाब की पंखुड़ी से लब की तशबीह दी गई है। वजह या गरज से तशबीह, एक शे को दूसरी शे से तशबीह देने की कोई वजह या गरज हो, जैसे नाजुकी, सुर्ख, सुर्ख लब को गुलाब की पंखुड़ी से दिया गया है, लिया गया है कि गुलाब की पंखुड़ी नाजुक और सुर्ख होती है। इन दोनों में नज़ाकत और सुर्ख वजह तशबी वजह शुबा है। हरफ तशबी, वो लफ्ज़ जो तशबी ज़ाहिर करे। मीर के शेर में लफ्ज़ से हरफ तशबी है, से की अलावा जैसे ऐसा, वैसा, सा, मानिन, तरा, गोया, यूं वगैरह भी तशबी को ज़ाहिर करते हैं हरफ तशबी आए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें।